नमस्ते कैप्टन राम। आज देशभक्ति और देश प्रेम के बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों, सांप सूंघ गया क्या? परिवार के सामने देश का प्यार फीका पड़ गया ना? मुझे लगा तू शेर की तरह गरजते हुए आएगा, लेकिन तू तो गीदड़ की भांति मेरे सामने आकर खड़ा है। जानता है मेरा क्या कहने का मन कर रहा है? चल सांप के सामने सलामी मार। बड़ा आया देशभक्त। तू एक पॉलिटिशियन है और सैनिक के बारे में इससे ज्यादा नहीं जानता। गलती तेरी नहीं है, उन लोगों की है जिन्होंने तुझे वोट दिया। बंद कर तेरी चपड़ चपड़। हमें लोगों ने वोट दिया भी और हम जीत भी गए। अब कान खोलकर मेरी बात ध्यान से सुन। तू उस गाड़ी में बैठ के जाएगा, आगे एक्सीडेंट होगा और उसी के साथ तेरे भाई का जेनेरिक मेडिसिन का सपना और तू, दोनों बूम। ओम नमः शिवाय। मिस्टर राम, या आपके नाम अरेस्ट वारंट है, प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। हम जबरदस्ती नहीं करना चाहते। आपका मिलिट्री से कोर्ट मार्शल हो चुका है, हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि आपको अरेस्ट करके उनके हवाले कर दें। हमारे साथ चलिए प्लीज। मुझे 2 मिनट देंगे बात करने के लिए? ओके, थैंक यू। रितु को कुछ होना नहीं चाहिए। इसने ऐसा क्यों कहा? क्या हुआ, प्लान चेंज हुआ है क्या? नहीं, तुम उसे लाने के लिए पहुंच गए। इसीलिए तो यहाँ आया हूँ, मगर पुलिस आकर अभी उसे ले गई। कहती है कि उसे कोर्ट मार्शल हो गया, वो उसे आर्मी के हवाले करने वाले हैं। ये सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ नहीं पता। एक बात तो तय है, जब तक लड़की हमारे पास है उसे आना ही होगा। देश में अगर कोई भी मुसीबत में हो तो उसे बचाना हमारा कर्तव्य है। तुम्हारे भाई की बेटी हमारे देश की नागरिक है, उसे बचाना हमारा कर्तव्य है। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद सर। yeah. आपके रेजिमेंट के लोग टेक ओवर कर लेंगे सर। थैंक्स। आपके अरेस्ट होने के बाद उसने मिनिस्टर को कॉल किया था। लोकेशन? कॉल इस टावर से की गई थी सर। ये टावर चिकपेट मार्केट में है। वो फिर से कॉल करेगा, लेट्स वेट। सर वो मिनिस्टर फिर से कॉल कर रहा है। लोकेशन बताओ। आई थिंक वो एवेन्यू रोड के पास है। हम उसका GPS लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं सर। स्टार्ट द ट्रैकिंग, नंबर ट्रैक करो सर। होम मिनिस्टर को ये इन्फॉर्मेशन पास करो। ओके? यस सर। हेलो, मैं अभी मार्केट में हूँ, आते वक्त मैं खाना लेके आऊँगा। हाँ हाँ, बच्चे के लिए कपड़े भी लेके आऊँगा। देख के नहीं चल सकते क्या? ये लो। सारा सामान गिरा दिया। हेलो। तुझे क्या लगता है एक तू ही समझदार है इस दुनिया में? समझदारी का जूस मैं रोज सुबह पीता हूँ मुन्ना। मैंने तुझे तेरे ही जाल में फंसा दिया, पता चला तुझे? इसे राजनीति कहते हैं मेरे देशभक्त। अब आगे क्या करना है तुझे खुद पता है। आजा। Thank you.
आजा। भैया तूने भी आज ये साबित कर दिया कि इस दुनिया में कुत्तों से वफादार और कोई नहीं। अब मेरा सीक्रेट ओपन हो गया है तो तुझे क्लोज होना होगा। सॉरी। मैंने इसे कहा था कि हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, लेकिन देखो, ओम नमः शिवाय। जैसा तुमने कहा था, मैं अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स और सबूत ले आया हूं। अब अपने वादे के अनुसार ऋतु को छोड़ दो। परिवार में किसी को खोने का गम मैं अच्छी तरह जानता हूं। मुझे मार दो, पर ऋतु को छोड़ दो। सताया तूने, अब तुझे पता चलेगा कि तूने किससे फंसा लिया। तेरा भाई आईएएस ऑफिसर और तू आर्मी ऑफिसर, हाँ? चुपचाप आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी गुजारता, लेकिन नहीं, तुम दोनों भाइयों को देशभक्ति की खुजली जो लगी है कि नहीं? तू अपनी ताकत बॉर्डर पर ही दिखा सकता है, यहां नहीं। अगर गरीब बीमारियों से मरते हैं तो मरने देना, उनके जिंदा रहने से क्या तू झंडे गाड़ेगा? ए! इस देश में सब्जियों के दाम महंगे हो जाए तो लोग स्ट्राइक करते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाए तो लोग स्ट्राइक करते हैं, मगर क्या कभी दवाइयों के दाम बढ़ने पर स्ट्राइक करते हैं? बोल, नहीं ना, क्योंकि वो डरते हैं अपनी मौत से। जो डर उनकी वीकनेस है, वही हमारा बिजनेस है, जेनेरिक मेडिसिन। तेरे भाई का यही सपना था ना, अब तेरे बच्चों को क्या, पोतों को भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा रचा हुआ चक्रव्यूह है, इसे कोई नहीं भेद सकता। हे शेर, तू तो भीगी बिल्ली बन गया रे। तुझे गुस्सा नहीं आ रहा है? गुस्सा दिलाऊं मैं? हमने तेरे भाई को मरवाया, उसे मार कर सुसाइड का रूप देने वाले हम दोनों हैं। गुस्सा नहीं आ रहा है? हाँ, गुस्सा नहीं आ रहा तुझे? बोल, तुम चाहे मेरी जान ले लो। ऋतु को छोड़ दो। तू, मुझे तो लगा था कि तू शेर है, चूहा निकला। भैया जाने दो इसे, मर गया ये, छोड़ा। देख क्या रहा बे, इसकी पिक्चर खत्म कर। सारी गोलियां उसके अंदर उतार देना, वो कोई आम इंसान नहीं है, शेर है, बब्बर शेर। हाँ।
ये क्या सिर्फ 10 सेकंड के अंदर? शेर साइलेंट हो गया तो इसका ये मतलब नहीं कि वो थक गया, इसका मतलब वो अगले वार की तैयारी कर रहा है। मैं चाहता था कि तुम 15 मिनट टेंशन में रहो, जानते हो क्यों? तुम्हारी पोल खोलने के लिए जिसे अभी पूरी दुनिया ने देखा है। मैं तो बस नाटक कर रहा था। मैं आज तुम दोनों को कुछ दिखाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। हम सैनिक तुम्हारे परिवारों की जान बचाने के लिए बॉर्डर पर अपनी जान दांव पर लगा देते हैं, तो कोई हमारे परिवार पर आंख उठाए। तुमने कहा था कि मेरे भाई की बेटी अब तुम्हारे कब्जे में, जरा चेक करो। कोई नहीं उठा रहा ना, उठाएगा भी नहीं। अगर देश के सैनिक बिकने लगे तो इस देश में कुछ नहीं बचेगा, उसके टुकड़े हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल ने तुम्हारी मदद की सिर्फ तुम लोगों को एक्सपोज करने के लिए, मुझे कोर्ट मार्शल करने के लिए नहीं।